वीडियो में थे शमशान घाट पर, आज हम आप लोगों को शमशान एक बार और जाकर दिखा दिए। एक बार इससे पहले एक जगह विजिट कर चुके हैं हम, जहाँ पे देखते थे ना एक साथ में चार चार लाशें, कर सकते हैं कि लाइव हम आप लोगों को मरघट पे आके दिखाए। और प्लीज हमें माफ कर देना, यहाँ पे हम आपको परेशान नहीं करने आए, सिर्फ फुल लाइट में दिखाओ भाई, ये देखो बिल्कुल क्लियर करें, फुल लाइट ऑन कर भैया, रिकॉर्ड हो जाएगी अगर वहाँ पे कुछ दिखाई देता होगा तो। ये बहुत सही, क्योंकि हम लोगों की भी सेफ्टी रहेगी ना। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक हॉन्टेड लोकेशन पे, और यहाँ पे बताया है गांव के ही एक लोगों ने कि यहाँ पे एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, और उस बच्चे के साथ में क्या हुआ था ऐसा हमको तो कंफर्म नहीं था। वहाँ पे एक अंकल जी थे, वो उन्होंने बताया था कि उस बच्चे की यहाँ पे मौत हो गई थी, और वो कई बच्चों के साथ में नहाने के लिए आया था, नदी में पानी ज़्यादा हो गया था, मतलब गांव से ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तब भी बच्चे गांव के होते हैं ना एक दो कि कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, नहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो आए यहाँ पे नहाने के लिए। और नदी है आगे, और उसके पहले पर जाता है शमशान घाट जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे एक समाधि बनी हुई है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो शमशान घाट नहीं तो वहाँ पे हम आपको समाधि भी दिखा देंगे जो बनी हुई वहाँ पे। अब उस बच्चे की मौत कैसे हुई थी ये कंफर्म नहीं हो पाया था वहाँ पे, कि नदी में डूब जाने से मौत हुई थी, या आप लोग यार गाँव घर में ऐसा बोला जाता है एक बीमारी चलती है मिर्गी या दौरा, उस वजह से पानी में शायद उसको बीमारी अटैक कर दिया हो तो वो पानी में डूब कर मर गया हो, या क्या हुआ था इसके बारे में कंफर्म नहीं हो पाया था, किसी को भी नहीं कन्फर्म, क्योंकि उसकी जो है लाश मिली थी नामित भाई, हाँ भाई, वो बता रहे थे कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पे एक गांव पड़ता है, वहाँ पे पुल है, उस पुल के जो वो पड़े होते हैं पोल पड़े होते हैं ना पाइप, उस पाइप में अटक गई थी उसकी लाश, तो वहाँ पे वो लाश बरामद हुई, उसका अंतिम संस्कार किया गया लड़के का। उसके बाद में यहाँ लगभग 5-6 महीने बाद से यहाँ पे कोई बच्चा दिखाई देता है रोते हुए, उसके साथ में यार और भी आवाज़ें आती रहती हैं, अब पता नहीं यार और कौन है उसके साथ में, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। अजीत भाई वो सामने लाइट कैसी है? वो दूसरा गांव है वहाँ, ये नदी के उस पार में गांव है ना, क्योंकि ये शमशान घाट है सामने, वो चीज़ ये देखिए वहाँ पे खेत में कोई किसी ने घर वर बनाया है शायद, तो रहता वहाँ नहीं रहता कुछ कंफर्म नहीं है। नहीं वहाँ पे रहता कोई नहीं, वो लाइट ऐसे ही जलती रहती, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफार्म गांव का रखा हुआ ना, तो इस वजह से अच्छा, वहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया था ना, देखा था ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहीं पे लाइट वाइट लगा। अमित भाई यही है वो लोकेशन, और ये देखिए अभी तो रोड का कार्य चल रहा था तो इस वजह से यहाँ पे सामान डाल दिया गया था, और आप लोगों को दिख रही होगी वहाँ पे वो समाध बनी हुई है, वो बीच में अमित भाई जो दिख रही है ये, वो समाध बनी हुई है, ये और ये पड़ोस में नदी है, और यही शमशान घाट है, और यहीं पे उस लड़के की मौत हुई थी, यहीं पे शमशान घाट पे ही मौत हुई थी अमित भाई उसकी। अच्छा अब यार क्या बोलते हैं अमित भाई, एक मिनट अजीत भाई ये क्या चीज है? क्या अमित भाई? नहीं नहीं वहाँ पे ब्लू कलर का कोई चीज है, पॉलीथीन या फिर ये शमशान घाट है ना, तो ये हो सकता अजीत भाई वो हो, क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम पे जो लाश के ऊपर उड़ाते हैं ना पॉलीथीन, पास में आ जाओ हम भाई, पास में आ जाओ, ब्लू कलर की है चीज, इधर दिखाई दे में किसी ने छांग दी क्या, कंफर्म यार कपड़ा भी है इसके साथ, कपड़े पड़े हुए हैं और पॉलीथीन, आप लोग समझ सकते हो वही पॉलीथीन है अजीत भाई, शमशान घाट है तो इधर आ जाओ भाई, इधर सर एक्सीडेंट वाले जो केस होते हैं वो भी लाशें यहाँ पे जलाई जाती हैं, तो इधर यहाँ पे दिखा दे भाई लोकेशन, ये आप लोग बोलते हैं उसका मगर आप लोग जो अर्थी का सामान बोलते हैं वो अर्थी का, ये जो है ये पड़े हुए बांस डंडे अर्थी के हैं, और ये घड़ा फूटा हुआ पड़ा है भाई, ये देखिए घड़ा और पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब आप लोग तो यकीन ही कर सकते हैं कि लाइव हम आप लोगों को मरघट पे आके दिखाए, और यहाँ पे ये देख अमित भाई यहाँ पे चूड़ी पड़ी हुई है, ये किसी
महिला की मृत्यु हुई है। ये उसका दिया पड़ा हुआ है, देख इसका बोलते हैं घी वगैरह लाया जाता है। एक बार हाथ जोड़ ले, कोई अगर जो यहाँ पे कोई मौजूद हो तो प्लीज हम लोगों को प्लीज हमें माफ कर देना, हम यहाँ पे हम आपको परेशान नहीं करने आए, सिर्फ वीडियो बनाने या फिर और अमित भाई इधर दिखा दे भाई, लाइट बढ़ा के इधर अमित भाई दिखा दे। ये नदी है और यहाँ से बच्चे नहा रहे थे। ये देखिए दोस्तों, एक बार ये चीज दिखाते हैं किसकी गहराई, देखो भाई यहाँ से कितना, लगभग 15 फीट की गहराई से ज्यादा है ना रजित भाई। हाँ, हम जाकर दिखा दें पानी बहुत, अमित भाई बता दें हम जाकर दिखा दें वहाँ से भाई लोगों को। फिसलन तो नहीं है? नहीं नहीं फिसलन नहीं, हम जाकर आराम से जाना। आप लोग देख सकते उतर के जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उतरते में वहाँ तक, आप लोग यकीन कर लो अमित भाई 15 से ज्यादा ही होगा, 20 फीट से कम नहीं होगा, काफी गहराई है। और ये नदी है और ये इतनी हॉन्टेड है भाई, अमित भाई यहाँ से 20 मीटर पीछे जो आप लोगों ने ज्यादातर नदी का बहाव दक्षिण दिशा को देखा होगा, मगर यहाँ पे भाई अभी हम जा नहीं सकते वहां पे, हम आप लोगों को वरना लाइव दिखा देते। हाँ, ये नदी पानी, एक चीज बताना भूल ही गए थे, ये नदी ये सुधा मतलब किधर से, उत्तर साइड से, उत्तर से पानी इसमें बहता नहीं, उत्तर से दक्षिण से पानी बहता है, उत्तर की तरफ जाता है। ऐसा भारत में कहीं पे भी नहीं है अमित भाई, ऐसा भारत में कोई भी जगह नहीं है। 360 के अंश पे मतलब ये रोटेट हुई है नदी यहाँ पे। और अमित भाई आगे आ जा, और ये देखिए यहाँ पे अर्थी का मतलब बांस हो गया, ये पड़ा हुआ है, ये भी अर्थी का सामान मटेरियल जो है रोड बनाने वाला जो यहाँ पे उतार के गया है। अमित भाई यहाँ पे भी पूरा देख, यहाँ पे यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ देखो यहाँ पे भी जलाया गया था। और अमित भाई और इधर भी है आराम से जीत भाई, ये देखिए यहाँ पे भी चलाया गया था होगा, और वहाँ पे वो सामान पड़ा हुआ उसके यहाँ पे जो भी व्यक्ति हो सामान कुछ भी हो उसके बारे में। आज अमित भाई इधर दिखा दे, अमित भाई कोई आवाज आई है, और ये सब सामान दिखा दे भाई, ये भाई कसम से यार, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहे हैं यार, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इतना हॉन्टेड शमशान घाट है, और हम शमशान घाट पर आकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इतनी हॉन्टेड लोकेशन है भाई, आप लोगों ने कभी तो देखा ही नहीं होगा इतनी हॉन्टेड लोकेशन। चल भाई उधर से आवाज आई, आवाज आई थी ना, ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं वो उधर ही है। कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, अमित भाई कोई आवाज आ रही? आवाज तो सुनी भाई मगर कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं है हुई यहाँ पे। दोस्तों वीडियो के साथ में बने रहना दोस्तों, क्योंकि बाकी तो आप लोग स्टार्टिंग में, अगर कोई यहाँ पे हो तो प्लीज सामने आ जाओ, हम आपको परेशान नहीं करने आए हैं, सिर्फ हम इतना देखने आए हैं यहाँ पे वो चीज दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। ये सुनिए अजीत भाई आवाज सामने से, कितनी हॉन्टेड लोकेशन है अमित भाई यार, कसम से यार अभी तक इतने यार अजीत भाई दिन हो गए हैं। अजीत भाई हाँ एक मिनट वहाँ पे कोई चीज कैप्चर हो रही है, लाइट बढ़ा के भाई दिखा दे भाई लोगों को। ये देखिए अजीत भाई यहाँ सामने देख, ये देख भाई लाइट बढ़ा के दिखा दे भाई लोगों को, जूम मत करो, जूम तो भाई लाइट फुल लाइट में दिखाओ भाई को। ये देखो आप लोग भाई देख सकते हैं, ये आप लोगों को लाइव में दिखा रहे हैं और जूम आउट कर ले रहे हैं, ये चीज बाहर आ रही है, ये वही लड़का है अमित भाई जिसकी यहाँ पे मौत हुई थी नदी में डूब जाने से, बाहर आ रही है। तो भैया प्लीज चलो आप लोग चलना सही रहेगा अजीत भाई, आओ चलते हैं देखते हैं यार वो चीज, साइड से चलना। चल रहे अमित भाई एक मिनट, सोल खुल गया क्या, घर भी देख के चलना, यही वो यही है भाई। अजीत भाई कहाँ ये चीज पड़ा ना, वो पाइप में पोल में था ना, इसी में दिखी थी सामने, एक मिनट इधर से देख भाई पैर मत रखना, बाल के से कड़े बाल पड़े ना सामने, ये बाल पड़े हुए, ये मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं लाश को जलाने के बाद जो बाल छिलवाते हैं वो सब पड़े हुए, ये देख। अरे इसमें भी यार कोई नहीं, नहीं अजीत भाई इसी में देखा था यार, मैंने कैमरा बंद भी नहीं किया एक बार भी, आवाज पीछे से आई कैमरे में, ओए ओए अरे अजीत भाई ये देखो सामने, क्लियर कैप्चर कर यार अमित भाई, बिल्कुल क्लियर करें, फुल लाइट ऑन कर अजीत भाई यार, ये किस तरीके का इंसान है भाई यार, कौन है वहां पे,
किसी एंगल से इंसान नहीं है, देखो कौन है वहां पे, कौन है बता दो, कौन क्या बताएंगे आप कौन है, जूम आउट कर लेते हैं पर क्लियर हो जाए क्योंकि ये देखो अजीत भाई ये तो आपको ठीक करना है भाई, बता दो कौन हो आप। वो अमित भाई इसके चलने का तरीका देख यार, मैं कसम से भाई यार इतना खतरनाक यार लोकेशन है यार, अमित भाई क्या बताएं यार। भैया आप ले जा, आप लोग यार इतनी मेहनत और इतनी रात में आने जाने का तो आप देख ही सकते हैं, तो भैया प्लीज़ इसके लिए आपका तो एक लाइक तो बनता ही है। चला गया क्या, एक मिनट आने का वेट करते हैं, थोड़ी देर छुट्टी देते हैं अंदर बैठ जाए अमित भाई, आ जाएँ हम भी क्या, हाँ हम भी आ जाएँ, आ जाओ आ जाओ, अरे एक मिनट क्योंकि हम लोग बाहर रहेंगे तो हो सकता है बाहर की तरफ आराम से ना, बाहर की तरफ लगाते रहना बिल्कुल। और एक काम कर, क्या कर अमित भाई, हाँ। हम लोग चुपके से इसी में बैठ जाते हैं और कैमरे को ऊपर रख देते हैं पोल के, वो चीज अगर कुछ भी दिखाई देगा तो सामने आ जाएगी। अमित भाई अगर बाहर वो चीज ना हो तो अमित भाई वहाँ पे कैमरा रख दो आप ऊपर इस पाइप के ऊपर ना, हाँ ऊपर, और वो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगी अगर वहाँ पे कुछ दिखाई देता होगा तो। ये बहुत सही क्योंकि हम लोगों की भी सेफ्टी रहेगी ना, और रिकॉर्ड भी हो जाएगा इसमें अगर जो कोई चीज़ होगी यहाँ पे। तो फाइनली हम जिस कैमरे यहाँ पे स्टेट कर देते हैं, कोई अगर जो एक्टिविटी है यहाँ पे तो जरूर रिकॉर्ड होगी। भाई अंदर की तरफ आ जा, एक मिनट एक मिनट, कैमरा वहीं स्टे कर दे, मैंने रोक, और जो कुछ भी होगा वो साफ साफ रिकॉर्ड हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, मैंने कैमरा तो रोक दिया यहाँ पे, अब अमित भाई वो चीज क्लियर हो जाएगी अभी जो कुछ होगा वहाँ पे, तो अंदर आ जा, यहाँ से आवाज हमारी तुम्हारी जाएगी नहीं ना इस वजह से। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं बैठे हुए पाइप के अंदर, और कैमरा को मैंने ऊपर सेट कर दिया है क्योंकि अभी जो कैप्चर रिकॉर्ड हुई थी वो हमला भी कर सकती है ना भाई अजीत भाई, है ना, इसलिए हमने मैंने कैमरे को ऊपर रखा है और हम लोग छिप के अंदर बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं कि अभी फाइनली एक मिनट हो जाने के बाद हम कैमरा उठा लेंगे अपना और यहां से निकल जाएंगे। कोई चीज रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ उस हिसाब से, अजीत भाई पहली बार ऐसी हॉन्टेड जगह पे आए हुए हैं, इतना भयानक तो मतलब यहाँ पे चार तो लाशें थे, मगर चार लाशें जलाई गई अमित भाई एक साथ में, इतनी सारी लाशें दिखती थी जलते हुए मतलब एक जगह पे। हम आप लोगों को बताते तो हर वीडियो में थे शमशान घाट पर, आज हम आप लोगों को शमशान घाट पे जाकर दिखा दिए, एक बार दूसरी एक इससे पहले एक जगह विजिट कर चुके हैं हम जहाँ पे देखते थे ना एक साथ में चार चार लाशें एक ही जगह पे जलाई हुई थी, मगर उसमें क्या था कि एक फैमिली की डेथ हुई थी, पूरी फैमिली एक ही साथ में डेथ हो गई थी और सबको एक साथ में जलाया गया था, और वो जगह इतनी ज़्यादा हॉन्टेड आज भी मानी जाती है क्योंकि बोलते हैं आज भी उनका पूरा परिवार उस जगह पर निवास करता जी भाई। और एक वीडियो मैंने शूट भी की थी और वो पुराने चैनल पे डाली थी, मगर किसी वजह से चैनल हमारा डेथ हो गया था, मतलब उस पर कुछ नहीं चल पाया था। तो इस बार दोस्तों सपोर्ट करना भाई, सबके सब दोस्त लोग निवेदन करते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि सपोर्ट जरूर करना भाई। तो हम लोग अमित भाई एक मिनट हो गया, टाइमर देख लिया हमने, देख लिया हो गया है ना, हाँ, एक मिनट हो गया तो निकले बाहर, क्या निकलो बाहर देखो वो चीज दिखाई देती है नहीं। अजीत भाई, हाँ भाई, साफ साफ कैप्चर हो रही है इसमें, कुछ कैप्चर हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। तो अमित भाई हम भी निकल आए यार, और ये अमित भाई यार तो बहुत हॉन्टेड यार, क्या बताया जाए, रिकॉर्ड करते ना क्या करेंगे अजीत भाई ना, काफी वीडियो लंबा हो गया है, लास्ट में जब तक रिकॉर्ड हो रहा है इसको चलने दे, तो थोड़ी देर और बीच का हिस्सा जो है वीडियो को हम लोग स्किप करके निकाल देंगे, तो दोस्तों आप लोग कट मत करना वीडियो को, निकले ना तो निकलने में भला, चलो निकल। तो दोस्तों हम लोग कैमरा यहीं पे बंद करते हैं, निकलते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर जो आप लोगों ने कोई चीज़ देखी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा हूँ मगर आप लोगों की मतलब सहारा रहा साथ रहा तो हम इस बार थोड़ा सा सक्सेस हो पाएंगे, तो इसलिए इसके अलावा कुछ है क्या आसपास अपने, निकल चल रहे यार बंद कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।